तो देखिए, ये क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है। क्वेश्चन कहता है, द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस इज। तो बेसिकली हीलियम पॉजिटिव आयन हमें दे रखा है, सही है, उसके अंदर हमें रेडियस निकालनी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, और वो जो रेडियस है वो निकालनी है हमें पिकोमीटर में। तो अगर आपने nth रेडियस का फॉर्मूला देखा होगा, तो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हम इसमें देखिए n की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास नंबर ऑफ शेल, और z होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ शेल हीलियम में कितनी होती है, 1, और z हो गया आपका यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर हीलियम का एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू निकलेगी है, जो रेडियस निकलेगी हमारी, ये निकलेगी एंगस्ट्रॉम में। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें चाहिए पिकोमीटर में, तो आप क्या करिए, पहले से मीटर में ले आइए फिर पिकोमीटर में ले आइए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप ना स्टैंडर्ड याद रखिए। तो जैसे हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होते हैं, सही है। तो देखिए इसके ना यूनिट फैक्टर होते हैं, दो तरीके से आप इसके यूनिट फैक्टर बना सकते हैं दो। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10^-10 मीटर, या फिर मैं इसको एक ऐसे भी लिख सकता हूँ 10^-10 मीटर बाय 1 एंगस्ट्रॉम, सही है। तो इस टाइप के फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए भाई आपके पास यहाँ पे 0.529 इंटू में हाफ, अब ये एंगस्ट्रॉम जो आ रहा है इसको हमें कैंसिल आउट करना है। तो मेरे को ये यूनिट फैक्टर लेना चाहिए या ये वाला, तो जाहिर सी बात है ये, ताकि अगर मैं इसे लूंगा तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा और मेरे को मीटर मिलेगा। तो मैं वही करूंगा 10^-10 मीटर डिवाइड बाय 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, यहाँ पे आपकी जो रेडियस आ जाएगी वह आएगी मीटर में, तो 1/2 इंटू 10^-10 मीटर। अब देखिए हमें निकालना है आंसर पिकोमीटर में, तो अगेन स्टैंडर्ड लिख दीजिए। भाई स्टैंडर्ड क्या होता है, भाई 1 पिकोमीटर होता है 10^-12 पिकोमीटर। अगेन इसके भी यूनिट फैक्टर देखिए, भाई 1 पिकोमीटर क्या होगा, 10^-12 लिख सकता हूँ, सॉरी वन ये आएगा आपका मीटर, सॉरी यहाँ मैंने जो है गलती से पिकोमीटर लिख दिया है। तो 1 पिकोमीटर होता है 10^-12 मीटर, सही है। या तो ये यूनिट फैक्टर होगा या फिर आप ये वाला देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मीटर को कैंसिल आउट करना है, तो हमें कौन सा यूनिट फैक्टर लेना चाहिए, ये वाला या ये? तो जाहिर सी बात है वो लेंगे जिसमें मीटर नीचे हो, ताकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाए, सही है। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से करेंगे, 0.529 हाफ इंटू 10^-10 मीटर मल्टीप्लाई 1 पिकोमीटर अपॉन में 10^-12 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सही है। ये आएगा आपका 0.529 इंटू 1/2 इंटू, अच्छा 10^-10 से यहाँ से भी कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 10^-2 पिकोमीटर, सही है। तो ये आपके पास जो रेडियस आ गई है पिकोमीटर में आ गई है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट में कन्वर्जन हो ना, तो आप यूनिट फैक्टर को यूज़ करके कर सकते हो, बहुत आसान रहता है ये। यहाँ से आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा अराउंड 26.45 पिकोमीटर, सही है। अगर ऑप्शन देखें तो ये हमें थर्ड ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो जो रेडियस होगी पिकोमीटर में वो होगी 26.545, या 5 कह सकते हो, ठीक है।
अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है या केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। सही है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।